लेफ्ट साइड में ऊपर तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, आपको इन पे क्लिक करना है और यहाँ कई ऑप्शन आ रहे हैं। ये एप जहाँ लिखा होता है वहाँ पे सेलेक्ट होता है, एप ये होता है ऑटो फोकस, और उसके आगे एक अनंत का निशान है। नमस्कार दोस्तों, आज एक नई जानकारी के साथ। ओपन कैमरा एप्लीकेशन है वो, जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, और आज इसमें मैं आपको कोई दो ऑब्जेक्ट है तो उस दोनों ऑब्जेक्ट को फोकस कैसे करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। और अब मैं थोड़ा इस ऐप का रिव्यू बता देता हूं आपको। तो जब आप पहली बार आओगे तो आपको ये कैमरे वाला आइकॉन मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इसको वीडियो पे स्विच कर देना है, तो ये वीडियो पे आ जाएगा। इसके ऊपर एक ऑप्शन है, ये गैलरी का ऑप्शन है, यहाँ से आप गैलरी में जा सकते हो। इससे नीचे जो ऑप्शन है फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा को आप चेंज कर सकते हो, और सबसे जो नीचे राइट हैंड साइड में है इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको चार आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे इनकी सेटिंग करनी है, पहले अपने चलते हैं सेटिंग पे। तो सबसे ऊपर राइट हैंड में सेटिंग का आइकॉन है, उसको आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग में जाओगे तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा फेस डिटेक्शन, ये जब आप वीडियो शूट करते हो तो आप इसको ऑन कर दोगे तो आपके फेस को पूरे वीडियो में डिटेक्ट करता रहेगा। इससे अच्छा है कि आप मैन्युअली आप इसको कर लो, तो वीडियो में कोई आप कोई बोल के सुना रहे हो या दिखा रहे हो तो अगर आपको कोई साइड में चीज़ दिखानी पड़े तो इसको फिर आपको वो ब्लर दिखाई देगी, वो मैनुअल कैसे आपको सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। आपको सबसे यहाँ नीचे आ जाना है वीडियो सेटिंग पे, और वीडियो सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। वीडियो पे पहला ऑप्शन आएगा वीडियो रिजुलेशन, आप इस पे जाओगे तो अलग अलग रिजुलेशन आएगी, जो आपका मोबाइल सपोर्ट करता है उसके हिसाब से आप रिजुलेशन सेट कर सकते हो। फुल HD पे सही रहता है, क्वालिटी वीडियो की अच्छी आती है तो फुल HD पे आप रख सकते हो, और अगर कम ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे आता है वीडियो फॉर्मेट, इसको आप डिफ़ॉल्ट में ही रहने देना। उससे नीचे है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो, ये अनलिमिटेड ही रहने देना आप, और स्टार्ट वीडियो आफ्टर मैक्सिमम ड्यूरेशन, इसको भी आप डू नॉट रीस्टार्ट पे सेट ही रहने देना। मैक्सिमम फाइल साइज है, इसको डिवाइस डिफ़ॉल्ट पे ही सेट रहने देना। अब रीस्टार्ट मैक्सिमम फाइल साइज इस पे आपको ऑन कर देना है, और रिकॉर्डिंग ऑडियो इसको आपको ऑन कर देना है, ये रहेगा वीडियो के साथ। और इसके नीचे एक ऑप्शन है ऑडियो सोर्स, ऑडियो सोर्स पे जब आप जाओगे तो ये कैमकॉर्डर पे फिक्स होता है, तो आप माइक से करोगे तो आप एक्सटर्नल माइक पे क्लिक कर सकते हो। ऑडियो चैनल को भी छोड़ देना, लॉक स्क्रीन मैन रिकॉर्डिंग वीडियो ये भी छोड़ देना, वीडियो सबटाइटल ये भी छोड़ देना। नीचे आता है वीडियो बिटरेट, वीडियो बिटरेट में आपको क्या करना है, या तो डिफ़ॉल्ट पे ही पहले सेट होता है, इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देना, आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वैसे इसको डिफ़ॉल्ट पे ही सेट रहने देना। फिर इससे नीचे चलोगे तो यहाँ आता है वीडियो फ्रेम रेट, अब यहाँ फ्रेम रेट अपने को चुनना है, तो यहाँ 25 फ्रेम रेट चुने तो वो भी बढ़िया है, 30 आप चुनना चाहते हो तो 30 भी ठीक है, दोनों ये बढ़िया है। अपने जो बिजली आती है वो 50-100 होती है, तो अगर कोई लाइट में वीडियो शूट कर रहे हो तो आप 25 पे इसको कर लेना। 25 पे करोगे तो जो कैमरा का शटर जो स्पीड होती है वो बिट रेट की फ्रेम रेट की दुगनी होती है, तो अपने वो 50-100 के बराबर आ जाएगा, तो आपको लाइट की ब्लिंकिंग का जो ब्लिंकिंग दिखेगी वो नहीं दिखेगी आपको 25 पे कर लोगे तो, और 30 पे सेट कर लो तो और भी ठीक है। और अगर आपको कोई स्लो मोशन में वीडियो बनाना है तो आप 60 पे भी जा सकते हो, वहाँ आप स्लो मोशन में 60 फ्रेम कर सकते हो। वैसे 25 या 30 फ्रेम सही है, 30 फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हो।
और इसके नीचे आता है क्रिटिकल बैटरी चेक, इसको आपको ऑन कर देना है। ये इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है कि अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में भी क्या होता है बैटरी डाउन हो जाती है तो ये स्विच ऑफ हो जाता है, तो आपने जितना वीडियो रिकॉर्ड किया है वो सारा का सारा ही डिलीट हो जाता है। आप अगर इसको ऑन कर दोगे तो आपकी बैटरी कम होने के कारण भी मोबाइल बंद हो जाता है तो भी आपका वीडियो सेव हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। अब बैक चलता हूँ मैं। अब इसमें आता है ऑन स्क्रीन GUI, इस पे जाना है आपको। इसमें जो मैंने पहले फर्स्ट ऑप्शन आपको बताया था, जो फेस डिटेक्शन का मैंने बताया था, मैन्युअली आप उसको वहाँ स्क्रीन पे ला सकते हो, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है शो फेस डिटेक्शन आइकॉन, तो इसको आप जब क्लिक कर दोगे तो ये आइकॉन आपको स्क्रीन के ऊपर, जहाँ मेन कैमरा आपने चलाते हैं वहाँ स्क्रीन के ऊपर ये आइकॉन आ जाएगा। जहाँ फेस डिटेक्शन करना हो तो वहाँ से इसको क्लिक करके आप कर सकते हो। मैं एक बार इसको अनचेक कर रहा हूँ। और इसमें नीचे कोई भी ऑप्शन आप वहाँ लगाना चाहते हो मैनुअल तो लगा सकते हो। दो ताले से बने हुए हैं, ऊपर वाला वाइट बैलेंस है और नीचे वाला एक्सपोजर लॉक है। एक्सपोजर लॉक तो पहले ही वहाँ मौजूद है, वाइट बैलेंस वाला वहाँ लॉक नहीं है। तो आपने यहाँ, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा वहाँ शो होने लग जाएगा। अब अपने बैक चलते हैं। अब जो ये पहले यहाँ चार आइकॉन दिखाई दे रहे थे लेफ्ट साइड में, अब पांच आइकॉन हो गए क्योंकि वो हमने एक मैन्युअली सेलेक्ट कर लिया था वाइट बैलेंस वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट कैसे फोकस करते हैं। तो आपका कोई मान लो ये पीछे एक बोर्ड है या कोई और है दूसरा ऑब्जेक्ट जो आप हो, मान लो आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो तो आप ये भी फोकस आना चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे आप पढ़ा रहे हो तो ये भी फोकस आना चाहिए। तो इसको फोकस कहाँ करते हैं, पहले तो लाइट की एडजस्टिंग कर लें। यहाँ प्लस माइनस का एक आइकॉन लिखा हो, इस पर जाके आप अपनी ब्राइटनेस, ये ऑटो पे सेट होता है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसे जितनी आपको लाइट चाहिए उस हिसाब से इसको सेट कर लेना। और दूसरा अपने ये पीछे वाइट बोर्ड है ये भी अपने को सही दिखता रहे, और अपना दूसरा जो अपने आगे या कोई पढ़ा रहा है या कोई व्यक्ति है या कोई दो ऑब्जेक्ट इकट्ठे आ गए हैं और दोनों को फोकस करना है तो कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो ये ऑब्जेक्ट है इसको आपको फोकस नहीं करना है। पहले जो ये पीछे वाला बैकग्राउंड जो दिख रहा है, जो वाइट बोर्ड दिख रहा है, इसको अपने एडजस्ट कर लेना है कहाँ पे, जूम इन जूम आउट करके जहाँ आपको बढ़िया दिख रहा है, फिर इस पर आपको क्लिक कर, इस पर फोकस करना है। जैसे ही आप इस पर फोकस करोगे जो कोर आकार का आ गया, फोकस को आप लॉक कर सकते हो। ये फोकस लॉक वाला बटन जब मैंने दबाया, एक्सपोजर अपना लॉक हो गया है और ये रेड कलर का हो गया। अब मैं दूसरा ये भी फोकस करना चाहता हूँ, ये भी मेरी पूरी स्क्रीन में यू हिले या डुले तो ये ब्लर ना हो, तो इसके लिए मुझे फोकस करना है तो इसके ऊपर मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करूँगा मैं। अब मैंने क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट भी मेरा क्लिक हो गया। लेफ्ट साइड में ऊपर तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, आपको इन पर क्लिक करना है। और यहाँ कई ऑप्शन आ रहे हैं, ये AF जहाँ लिखा होता है वहाँ पे सेलेक्ट होता है AF, ये होता है ऑटो फोकस। और उसके आगे एक अनंत का निशान है, इन्फिनिटी का निशान है, इस पर आप करके यहाँ लॉक कर सकते हो। इससे आगे एक तारे का निशान है, ये कोई माइक्रो चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को फोकस करना है तो उसके लिए इस पर क्लिक कर सकते हो। और इधर FF लिखा हुआ है, FF का मतलब होता है फोकस फिक्स करना होता है, फोकस फिक्स्ड, इस पर फिक्स कर सकते हो। और जो ये एरो के निशान से अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप कोई फोकस, मान लो ये फोकस है, इसको पूरे वीडियो में कंटिन्यू दिखाना चाहते हो, ये वीडियो जितना लंबा हो उतने तक ये कंटिन्यू फोकस आता रहे, तो आपको इस कंटिन्यू वाले पर कर देना है। और यहाँ पे इस पर ऑब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, ये फोकस आ गया, और फिर थ्री डॉट पे करना है और यहाँ लॉक का निशान है, इस लॉक पे क्लिक कर देना है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपका फोकस हो गया है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जहाँ भी जाएंगे ये फोकस रहेंगे, ये बैकग्राउंड भी फोकस हो गया और ये ऑब्जेक्ट भी फोकस हो गया। अब तीसरा होता है वाइट बैलेंस के लिए क्या करना होता है, आपको थ्री डॉट पे जाना है और यहाँ नीचे जाना है, यहाँ लिखा होगा वाइट बैलेंस, इस वाइट बैलेंस पे आ जाना है। यहाँ आप वाइट बैलेंस जो करना चाहते हो, इसमें कई ऑप्शन है, इनको आप
टिक कर करके देख सकते हो भी मैं वाइट बैलेंस ऐसा चाहिए, वाइट बैलेंस ऐसा चाहिए, गर्म चाहिए, डे लाइट चाहिए या क्लाउडी चाहिए, जैसा आपको चाहिए वो आप करके यहाँ ये साइड में नीचे एक साइड में ताला बना हुआ है जिस पे WB लिखा हुआ है, वाइट बैलेंस, WB का मतलब वाइट बैलेंस, इस पे आपको क्लिक कर देना है तो ये आपका लॉक हो जाएगा। इस प्रकार आप दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ लॉक कर सकते हो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहेगी। अब वीडियो आप चालू करना चाहते हो तो यहाँ वीडियो के आइकॉन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।